और अब बात अलवर में सियासत उफान पर है। बहुजन समाज पार्टी ने इमरान खान को उतार कर मेव कार्ड खेल दिया है और ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें आसान नहीं मानी जा सकती हैं, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने अलवर में रिकॉर्ड प्रदर्शन किया था। तिजारा और किशनगढ़ बाज की सीटें तो जीती ही थी, साथ ही पूरे अलवर जिले में बीएसपी के वोट बैंक में जोरदार इजाफा भी हुआ था। आश्चर्यजनक तौर पर 10% वोटों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी और बीएसपी की मजबूती अलवर में कांग्रेस के लिए चिंताजनक है। देखिए खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के बाद बाकी बची एक सीट रामगढ़ में हुए मतदान में कांग्रेस की साफिया ने जीत दर्ज की थी। यहां बीएसपी के उम्मीदवार जगत सिंह तीसरे स्थान पर रहे, लेकिन वोट मिले तकरीबन 24,000। कारण साफ है कि अलवर में बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक है। यही कारण है कि विधानसभा चुनावों के दौरान तिजारा से संदीप यादव और किशनगढ़ बाज से दीपचंद खैरिया ने हाथी के सिंबल पर जीत दर्ज की। ये अलग बात है कि दोनों ही नेताओं की पृष्ठभूमि राष्ट्रीय दलों से जुड़ी रही है, लेकिन ये बात भी सच है कि यहाँ के नेता थर्ड फ्रंट के तौर पर मायावती की पार्टी बीएसपी को मानते हैं। दलित वोटों की बहुलता के कारण ऐसा है। यही कारण है कि 16% के लगभग वोट केवल अलवर जिले में बीएसपी को मिले। मुंडावर में बीएसपी का उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा था। अलवर लोकसभा क्षेत्र में कुल ऐसी मतदाता है करीब 3,99,487। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में 38,163। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 56,449। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र में 46,789। बहरोड विधानसभा क्षेत्र में 39,278। अलवर ग्रामीण एससी विधानसभा क्षेत्र में 63,167। अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र में 48,330। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 55,513। राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 51,798। बसपा के प्रभाव की बात करें तो अलवर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक सीट पर है दलित मतदाता। किशनगढ़ बास, अलवर ग्रामीण, रामगढ़ और राजगढ़ में तो 50,000 से अधिक ऐसी वोट है। काशीराम और मायावती का यहां के दलित मतदाताओं पर प्रभाव रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर इन वोटों का सदैव झुकाव देखने को मिला। दलित बहुल सीटों पर बसपा को हमेशा से ही मिला अच्छा मत प्रतिशत। अब लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने इमरान खान को उतारा है मैदान में। ये कांग्रेस के लिए माना जा रहा है प्रबल चुनौती के समान। विधानसभा चुनाव में अलवर जिले में बसपा के 2 विधायक जीते, तिजारा से संदीप यादव से जीते, उनको करीब 33% वोट मिली। किशनगढ़ बाज से दीपचंद खैरिया ने चुनाव जीता। अलवर के जातीय गणित की बात करें तो यहां यादव करीब 4 लाख हैं, मेव करीब 3 लाख, दलित करीब 3 लाख, ब्राह्मण करीब 2,30,000, जाट करीब 1,50,000, गुर्जर करीब 1 लाख, मीना करीब 1 लाख, वैश्य करीब 1 लाख, राजपूत करीब 1 लाख। अलवर जिला मेवात ब्रिज मत्स्य क्षेत्र कहलाता है। अलवर जिले में कुल 11 विधानसभा क्षेत्र हैं। अलवर में तिजारा, किशनगढ़ बास, अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, रामगढ़, बहरोड, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, मुंडावर आते हैं। ये जिला राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला इलाका है। बरकतुल्ला खां तिजारा से विधायक बने थे, बाद में राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे। हालांकि बरकतुल्ला खां मूल रूप से जोधपुर के थे। यहां करीब 15% मुस्लिम आबादी है। अलवर लोकसभा क्षेत्र में मेव मुसलमान मतदाता हैं 2,20,000 के लगभग। यादव और दलित मतदाताओं के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं मेव मुसलमान। अलवर लोकसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास जातीय राजनीति से लबरेज रहा है। दिल्ली से सटे होने के कारण राष्ट्रीय राजनीति की हवा भी यहां नजर आती है। यादव यहां दोनों ही दलों के लिए ट्रंप कार्ड रहे हैं। बीजेपी का जब जन्म हुआ तब उनके पास मजबूत यादव छत्रप नहीं थे, लिहाजा डॉक्टर जसवंत यादव सरीखे यादव क्षत्रपों को कांग्रेस से लाकर बीजेपी में स्थापित किया गया। आजादी के बाद से ही यहां कांग्रेस ने जड़ें जमा ली थीं, लेकिन समय समय पर जनता पार्टी और बीजेपी ने चुनौती दी। 1991 में पहली बार बीजेपी का यहां खाता खुला। राज परिवार की सदस्य के तौर पर महेंद्र कुमारी ने चुनाव जीता। इसके बाद बीजेपी ने यादव क्षत्रपों पर ही दांव खेला। रामजीलाल यादव, राम सिंह यादव, घासीराम यादव, सुजान सिंह यादव जैसे यदु क्षत्रप यहां पैदा हुए। इस बार बीजेपी के टिकट पर महंत बालकनाथ चुनावी समर में हैं, तो कांग्रेस ने राज परिवार से जुड़े जितेंद्र सिंह पर दांव खेला है। जितेंद्र पूरे इलाके में सबसे कद्दावर नेता हैं और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। राज परिवार के होने के नाते उन्हें सम्मान दिया जाता है। मोदी लहर में लोकसभा चुनाव में वे महंत चांदनाथ के सामने हार गए थे। महंत चांदनाथ के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी जगह करण सिंह यादव कांग्रेस से खड़े हुए और चुनाव जीते। डॉक्टर जसवंत यादव को हार का सामना करना पड़ा। इस बार जितेंद्र सिंह एक बार फिर मैदान में उतरे हैं। बीएसपी का बढ़ता प्रभाव उनके लिए चुनौती के समान है। एक ही मिजाज के वोट बैंक पर दोनों का आधिपत्य ही आपसी प्रतिस्पर्धा का कारण बनता है। इमरान खान को हाथी के सिंबल से उतारने के कारण कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। यादव वोटों का तिलिस्म और बीएसपी का मेव चक्रव्यूह, इन दोनों से चुनाव में जितेंद्र सिंह को चुनावी लड़ाई लड़नी है। जो जीता वही अलवर का सिकंदर कहलाएगा।
फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।